ये माननीय विधायक जी अगर कहें हैं कि सरकार की तरफ से सरना मसना का, चाहे धार्मिक जमीन हो आदिवासियों का, या तो धार्मिक झंडा हो या धार्मिक स्थल हो, सही मायने में इसका कोई एंगल से संरक्षण नहीं मिल रहा है। ये तो सच बात, ये तो सच्चाई है। कहने की क्या है, आज अंदर अंदर हम लोग पहन है ना, हम लोग जान रहे हैं ना कि हमारे सामाजिक स्थाएं में क्या बीत रही है, क्या घटना हो रही है। यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल है उसे भी लोग बेचा जा रहा है, धड़ले से लिया जा रहा है। जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने झंडा जलाया, उसी तरह से असामाजिक तत्वों ने, दलालों ने, जमीन माफियाओं ने क्या कर रहे हैं, ये धार्मिक स्थल को भी बेचा जा रहा है, धार्मिक जमीन को भी खिला पिला के पहान लोग से ठग ठग के, या पहान का जो गोतिया है उन लोग को फिला खिला करके ठग ठग के मने बेचा जा रहा है, जो धार्मिक जमीन को नहीं बेचा जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि किन धर्म में जमीन को ऐसा जमीन मिला है, कोई धर्म में है ऐसा? लेकिन आदिवासी धर्म में, आदिवासी समाज में जो पूजा पाठ करने वाले, जो उपहार में जो जमीन है, जो बकास भुयेरी है, पहनना ही है, महत्व ही है, ऐसा कोई भी धर्म में नहीं है। इसलिए सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे झारखंड ही, भारत देश के एक ऐसे झारखंड प्रदेश है जहां पर ऐसी व्यवस्था आदिवासियों का है, उस व्यवस्था को किस हिसाब से यहां के भूमाफियाओं ने और सरकार ने, सरकार के आदमियों ने इस पर एक भी ध्यान नहीं देते हैं, ये दुर्भाग्य है, आपको बताना चाहता हूं। समाज आदिवासी पूजा पाठ पद्धति से खुद ही है, इनको तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं इनको कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जितने भी सरना मसना हड़गड़ी धार्मिक जमीन हो, और ये धार्मिक जमीन को इनकी संरक्षण हेतु वे शीघ्र त्वरित कार्रवाई करने के लिए पहल करें, अन्यथा आदिवासी आगे बढ़ेंगे, पहान लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो गिने चुने चंद पहान लोग हैं ना, एक दिन ऐसा ना नौबत आए कि पूरे समाज के लोग इस लड़ाई में दौड़ पड़े, और इसके लिए आग बुझाना पड़ेगा जिम्मेवार सरकार की, प्रशासन को। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।